ओ भाई अंडे दिया मैं, मुबारक हो। ओए होए होए होए, एक कितना क्यूटू क्यूटू है ये। ये देखें भाई, ये मुर्गियां भी हमारी जो हैं वो बाहर आ गई हैं, और चारों मुर्गियां हमारी बाहर आ चुकी हैं चारों। ये देखें, ये देखें। आजा। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आज गालिबन 12वां रोज़ा है और शाम का वक्त है। हमें मुर्गियां लाए हुए एक दिन हो गया है और मैं अभी छत पर चढ़ा हूँ चेक करने के लिए कि हमारी मुर्गियों का क्या हाल अहवाल है, आया उन्होंने अंडे दिए नहीं दिए, हमें पागल तो नहीं बना दिया गया। और मौसम काफ़ी अच्छा है और ऊपर से एक आवाज़ आ रही है हमारी छत पर से, देखें वो एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ फर्दर वीडियो में कि वो क्या है क्या नहीं है। अभी हम ऊपर आ गए हैं, वो रहा हमारा दड़वा मुर्गियों का, अब वहाँ जाना और चेक करना है कि अंडे हैं या नहीं। और मेरे ख्याल से कुछ नज़र तो मुझे नहीं आ रहा, पता नहीं इन्होंने अंडे वगैरह दिए हैं नहीं दिए, हमारा फ्रॉड हो गया। नज़र मुझे कुछ नहीं आ रहा, यहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा, बहरहाल हम अभी देखते हैं। अब पता नहीं इन्होंने अंडे वगैरह दिए हैं नहीं दिए। ओए ओ भाई अंडे दिया मैं, मुबारक हो। ओए होए होए होए, एक ओहो दो, और ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तीन, जबरदस्त भाई। ओए होए 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 भाई, ये तो अंडे वाली मुर्गियां हैं भाई, ये तो अंडे देती हैं। ये रहे अंडे भाई, देख लूँ ये सही तो है ना। ये देखें भाई, अंडे हमारी मुर्गियों ने दे दिए हैं माशाल्लाह से। ये उसमें मैं इसमें रख देता हूँ, बल्कि ये दाने का है ये। अल्लाह अकबर, मैं बंद करता हूँ। और तो भाई ये रहे हमारे अंडे, मुझे बहुत शौक़ है अंडे वाली मुर्गियों का, पर मैं कभी कामयाब नहीं हो पाया कि सही मुर्गियाँ मुझे मिले। और ये रहे अंडे, मैं इनको धो लेता हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने अंडे धो लिए। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं है। और ये रहे हमारी मुर्गियों के अंडे तीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, नकली तो नहीं है ना, मैं ज़रा पक्का कर लूँ। और ये दो जो हैं वो लाइट रंग के हैं, एक डार्क कलर का है, देखें भाई। और ऊपर से आपको एक आवाज़ आ रही होगी अभी, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या सरप्राइज़ है हमारे घर में। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई, हमारी मुर्गियों ने अंडे दिए हैं। पहले तो भाई जिस तरह से गर्मी हमारे यहाँ हो रही थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये अंडे देंगी। और इन्हें मैं बाहर निकाल देता हूँ, दरवाज़ा मैंने खोल दिया, खुद ही बाहर आ जाएंगी। हो भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अंडे आ गए हैं, ये कैसे यकीन आएगा। अब इनको मैं रख देता हूँ, ये टूट ना जाए। और मुझे अंदाज़ा नहीं था ये दे देंगे, वरना मैं कुछ बाउल वाउल बर्तन लेकर आता इनको रखने के लिए। देखें बाहर आ गई हैं, इनमें मैंने इनका थोड़ा बाजरा रखा था, मैं इनको डाल देता हूँ। अरे खा लो, कहाँ जा रही हो। ये देखें भाई हमारी मुर्गियाँ, और दो मेरे ख्याल से अंदर हैं। ये क्या कर रही है भाई? ओहो, ये है ना गमलों की बड़ी दुश्मन होती हैं। गमलों में कोई छोटे मोटे गमले में पौधे निकल रहे होते हैं, कलियाँ निकल रही होती हैं, वो खा जाती हैं। और ये वही खाने गई हैं, हमला इन्होंने ढाबा बोल दिया है भाई। देखें ये देखें, खैर इन्हें खाने दें, इनकी जितनी खुराक अच्छी होगी ये उतना अंडे देंगी। हालाँकि रमज़ान चल रहे हैं और सर्दियाँ जा चुकी हैं, अंडों का मौसम नहीं है। बहरहाल हमारी मुर्गी ने तो अंडे दे दिए, हमारा तो काम हो गया। अब मौसम हो नहीं, अब हम फ्रिज में सजा लेंगे। और दो अंदर हैं, दो ये रहीं। ये देखें भाई, इनको खेलने देते हैं। ये देखें भाई, ये मुर्गियां भी हमारी जो हैं वो बाहर आ गई हैं, और चारों मुर्गियां हमारी बाहर आ चुकी हैं चारों। ये देखें मेरे गमलों पे इन्होंने ढाबा बोल दिया है, ये देखें भाई साहब। और ये मेरे फ्रूट वाले गमले हैं, कुछ कोई चीकू का गमला है, कोई पपीते का गमला है, ये पपीते का गमला है, ये चीकू का गमला है, ये अमरूद का गमला है, वो पपीते का है, ये फालसे का है। और मेरे ख्याल से वो सब इन्होंने चुग लेना है, खा लेना है। कल इनको मेरे एक मामू ने खोला था तो ये सारा पुदीना था इसमें, तो ये सारा पुदीना चट कर गई हैं। बहरहाल तुम खाओ पियो, तुम्हें जो करना है करो, मार दो किसी को जान से, पर अंडे देते रहना भाई, हमें अंडे के शौकीन हैं। खाने का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ अंडे का, हूँ मतलब खाम कश्मीरी हम कुछ भी खाते हैं, लेकिन जो मुझे मज़ा आ गया ना आज अंडे देख के भाई। अच्छा इसमें क्वालिटी क्या है कि एक डार्क कलर का निकला है, दो निकले हैं लाइट कलर के, एक ये और एक ये। ये देखें भाई,
कितने ज़बरदस्त कलर अंडों के निकले हैं, बिल्कुल अपनी मुर्गियों की तरह। एक जो है वो डार्क कलर की है और बाकी दो जो है लाइट कलर की, वो और ये लाइट कलर की, हो सकता है ऐसा कोई चक्कर हो। बहरहाल छोड़ देते हैं, हमें अल्लाह का शुक्र है हमारी मुर्गी ने अंडे दे दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सरप्राइज़ क्या है ऊपर है, मैं आपको लेके चलता हूँ। चलें भाई, तो भाई ये देखें, वो रहा हमारा सरप्राइज़। ये है हमारा सरप्राइज। ये है भाई एक जर्मन शेफर्ड का बच्चा, लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड का एक बच्चा, एक पपी जो कि हमारे घर में है और बहुत प्यारा। और सुबह से इसने, रात को मैं इसको लाया हूँ और रात से इसने शोर मचा मचा के अंत कर दिए। मौसम अच्छा है इसलिए मैंने इसे छत पे छोड़ा हुआ है, वरना ये नीचे था। ये देखें भाई कितना क्यूटू क्यूटू है ये, और इसका शोर देखें, शोर देखें इसका। बस अब इसको मैं आप लोगों को उठाकर दिखाता हूँ। मेरे हैं नमाज के कपड़े, सही है, मैं नीचे जाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, पुराने कोई कपड़े पहनता हूँ। ये है वो जर्मन शेफर्ड पपी, लॉन्ग कोट का, डबल कोट का शायद। और ये देखें कितना प्यारा, जो शोर कर रहा था वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऊपर एक सरप्राइज़ पड़ा है, शोर कर रहा है, ये देखें। पर साथ ही साथ मैं बताता चाहूँ, ये हमारा नहीं है, ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें कुत्तों का शौक चढ़ा पर उनको जान पहचान नहीं थी, तो उनके लिए मैंने ये ख़रीदा है। उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे भाई मेरे लिए आप ये मंगवा लें, तो मैंने ये पंजाब से मंगवाया है। ये देखें ये बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। ये है जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट पपी। ये देखें इसका फर देखें और इसकी क्वालिटी चेक करें। हमारा नहीं है, हमारे पास वैसे कुत्ते बहुत सारे पर बड़े हैं, और अभी मैं यहाँ नहीं रखता वो कुत्ते वगैरह, क्योंकि मुझे चेस्ट इन्फेक्शन का मसला हुआ था, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था आप कुत्ते निकाल दें क्योंकि उनके बाल उड़ते हैं इस वजह से। तो जब तक वो मसला ठीक हो उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने कुत्ते लाऊंगा। ये पपी एक छोटा सा बहुत क्यूट सा बहुत प्यारा था जो मैंने अपने दोस्त के लिए लिया है, और ये आज ही आज चला जाएगा। ये मैं रात को लाया हूँ, ये पंजाब से आया है, और ये देखें कितना हेल्दी और एक्टिव है माशाल्लाह। मैं इसे छोड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ ये कितना खेलता है। पूरी रात इसने शोर किया, ये देखें। ये दिखा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखें भाई करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये कितना मुझे इसको देख देख के शौक चढ़ रहा है पपी का। ये ना हो कि कल या परसों में भी मंगवा लूँ, पर ये देखें, ये देखें भाई ये कितना क्यूट सा पपी। ये सिर्फ एक मंथ का है, अभी एक महीने का, और इसका माशाल्लाह साइज और इसकी हेल्थ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसे नज़र से बचाए। बहुत ज़बरदस्त साइज और बहुत ज़बरदस्त हेल्थ है। ये मेल पपी है जर्मन शेफर्ड का, और ये हम अपने एक दोस्त के लिए मंगवाया, उन्हें देंगे, उनके लिए, उनको शौक चढ़ा है। अब मैं इसको आपको खेल के दिखाता हूँ उसके साथ, आ जाओ। ये देखिए और पूरी रात भी इसने शोर किया है, पूरा दिन इसने सुबह से शोर मचा के रखा है। ये देखिए, सिर्फ इसका ये काम है कि मेरे साथ आप खेलो, मुझे खेल चाहिए बस। खाना पीना मैंने इसे खिला दिया सब, ये देखिए। ये देखिए भाई, बहुत प्यारा हमारा पपी, हमारा नहीं है, दोस्त का, पर बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। ये देखिए अब इसको नीचे छोड़ता हूँ, थोड़ी देर खेले। हाँ सन, प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, ले लें एक, ले लो एक और। क्योंकि बच्चे जो कुत्ते के होते हैं ना, वो बड़े कुत्ते से ज़्यादा इंसान उससे प्यार होता है और अटैच होता है उनकी हरकतों की वजह से। ये देखें, ये बहुत क्यूट है। कल मेरे घर वाले भी इससे रात को खेल रहे थे और वो कह रहे थे कि इसे देना नहीं, इसे रख लो, पर नहीं, हमारी चीज़ नहीं है, हम अपने लिए और ले आएंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे हमने जानवर पाले, कुत्ते पाले हैं, तो एक और ले आएंगे जब ला। ये देखें भाई कितनी प्यार से हसन की गोद में बैठ गया है। हसन तुझे अच्छा लग गया ये, है ना? अच्छा, अच्छा है ना। और ये अंडे देखो यार, हसन अपनी मुर्गियों ने अंडे दे दिए तीन, ये रखे वहाँ, और ये भूल गया अभी नीचे लेके जाने हैं, कपड़े चेंज करने गया था। ये देखें, नीचे लेके चलेंगे चलते हुए, ठीक है? ये देखें, ये फरियादे कर रहा है हसन के साथ कि मेरे साथ खेलो, तुम रुको नहीं एक जगह पे, मेरे साथ खेलते रहो। हसन बेटा तू थक जाएगा पर ये नहीं थकेगा खेलते हुए, ये पपीज थकते नहीं हैं। ये देखें। आजा। ये बहुत प्यारा यार, बस पाँव में ना आ जाए, छोटा बहुत है।
आज रात को इंशाल्लाह ये चला जाएगा, तो मैंने कहा इसके साथ एक वीडियो बना के कुछ यादें हम रख लें। नाम वाम इसका है नहीं कोई अभी तक। ये देखें आ जा। चले जी बस करते हैं हसन, इसको थोड़ी देर इसके साथ खेलो और इसको ऊपर छोड़ दो, रोजे का टाइम होने वाला है, हमें तैयारियाँ भी कर दी हैं। और बस आज की वीडियो हमारी हो गई, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले किसी टॉपिक में, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और ये पाँव में मेरे आ रहा है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ नासिर, टाटा बाय बाय।